इतने में इतना ही मिलेगा ना, चाहिए तो पैसा खर्च करो जल्दी। चैनल सुमेस लाइव। सो आज है, आज पिंकू ट्यूसडे है ना, अरे सॉरी वेडनेसडे। तो आज है वेडनेसडे और यहाँ पर सुबह सुबह पिंकू यहाँ पर वर्कआउट खत्म करने के बाद चाय, और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बना पाया यार। मैं सोच तो रही थी कुछ बनाऊंगी बट सच में मुझे काफी टायर्ड लगा, और अभी मैं पीऊंगी यहाँ पर ग्रीन टी। और आज मतलब आज कितने बजे उठे थे हम लोग पिंकू? पहले तो उठते थे, मतलब अभी बैंगलोर आने के बाद हैदराबाद पे तो हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते थे, ऑलमोस्ट 8 बजे उठ गए थे। फिर मतलब जो हालत खराब हुई हम दोनों की वर्कआउट करने के बाद, मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी। हाँ और मैं तो देखो वर्कआउट करने के बाद भी पराठा और चाय नहीं, क्योंकि मैंने और कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई मैं। आप लोग भी थोड़ा ग्रीन टी पी लो मेरे साथ साथ। ग्रीन टी सबको पीना चाहिए। यस, मैं नहीं पीऊंगा और सब। बट आज काफी फ्रेश लग रहा है यार, सुबह जल्दी उठे इसलिए। हाँ, ये थोड़ा टी बैग निकालो डिप करके। थैंक यू। हाँ, और अभी थोड़ा थोड़ा धूप आना स्टार्ट हो रहा है। नहीं, काफी लेट करके धूप आ रहा है यार अभी तो मतलब। और ये सुबह अगर जल्दी उठो ना, मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया था, फिर भी ये है बेड का हालत। सब कहा मतलब, क्योंकि लेट हो रहा था हम लोगों को क्लासेस, हमने कल फिट पे ना अपना ऑनलाइन बुक किया था, तो इसलिए कहाँ पर क्या फेंका है हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। फिट फाक के भाग के चले गए ये दोनों। अगर ये बालकनी में साउंड नहीं होता ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ। मैं यहीं पर बैठकर लंच करता, यहीं पर बैठकर ब्रेकफास्ट, यहीं पर बैठकर डिनर, यहीं पर ऑफिस काम, सब कुछ यहाँ पर करता मैं। इसको मैं रूम बना देता पूरा, सीरियसली। नहीं, बाद में घर जब चेंज करेंगे फ्यूचर में तो देख के, ऊपर मतलब 5th-6th फ्लोर पे लेंगे। हमने यहाँ पर 1st फ्लोर पे क्यों लिया है उसका भी एक रीजन है। हैदराबाद में जो परेशान हुए हैं हम लिफ्ट को लेकर, कितना परेशानी हुआ है हमको, तो हमने बोला भाई नहीं। और कहीं उस टाइम में भी हमारा ये यहाँ पर जब घर लिए थे, उस टाइम में भी 2 महीने के लिए लिफ्ट नहीं था, तो हम वो सोच के लिए थे। हाँ, क्योंकि बिल्कुल नया वाला बिल्डिंग था, तभी कंस्ट्रक्शन जस्ट खत्म ही हुआ था। मतलब ये जब घर देखने आए थे तब भी मतलब वार्डरोब पे सिंक, मतलब सॉरी किचन पे वार्डरोब पे सिंक कहाँ गया, वो किचन पे सिंक वगैरह भी नहीं लगा था ना। फिर उसके 15 दिन के बाद उन्होंने हम लोगों को मतलब जो रहने के बाद हाँ, मतलब मैं तो उसके 15 दिन के बाद आई ना, आपने जब घर लिया उसके 15 दिन के बाद। हाँ, वो ही बोल रही हूँ। तो ये तो एडजस्ट कर सकते हैं बात, इनको किचन में कुछ काम नहीं है, तो वॉशरूम वगैरह सब कुछ बन गया था, बट किचन में सिंक वगैरह ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा काम था, तो ये आके मतलब रुके। और क्योंकि हम लोगों का सामान आना था यार, वेयर हाउस में हैदराबाद पे पड़ा था सामान, तो वो भी आना था, तो उसको भी एक्स्ट्रा पैसा में दे रहा था। हाँ, क्योंकि फालतू में हम लोगों को नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा, और बेंगलोर में घर मिलना सच में मुश्किल का काम है। नहीं, घर तो काफी मिल जा रहा था 1 BHK, लेकिन बहुत छोटा छोटा, अच्छा नहीं था एक भी। मतलब ये जितना स्पेशियस है, वार्डरोब वगैरह इतना बड़ा है, और मतलब सब कुछ यहाँ पर, बाथरूम भी। जब मैं फर्स्ट टाइम देखा, तो हमने सोच लिया था कुछ भी हो ये हमको चाहिए, और यहाँ पर ज्यादा घर भी नहीं था ना,
एक दो बचा ही था बस। मैं एक्चुअली यहाँ पर बहुत घर देखा था, ठीक है, मतलब 1 BHK मतलब इसको देख के बार बार फोटो भेज रहा था, वीडियो भेज रहा था, बट ये जब देखा मैं बोला इसको फोटो और वीडियो भेजने का जरूरत ही नहीं है, और ये 100% श्योर हूँ कि ये पक्का हमारे लिए है। और मेरे को 2 BHK लेना नहीं था, क्योंकि 2 BHK यहाँ पर फालतू में, तो मैं जो एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट 2 BHK का 25,000 से 30,000 मिनिमम, 25,000 मिनिमम भी, वो भी मतलब विदाउट मेंटेनेंस मैं जो बोल रहा हूँ, तो 25,000 मिनिमम ऐसा ही चार्जेस होता है यहाँ पर। मतलब घर रेंट छोड़ दो, फिर बाइक का क्लीनिंग, फिर मेड, फिर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सब होके हमको 20 आ रहा है इस 1 BHK यहाँ पर। 1 BHK में मेरा आसपास 20,000 का आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मेड, बाइक क्लीनिंग, ये सब मिला के 20,000। और मैं वहाँ पर तो छोड़ो जो भी होता, बट दो लोग के लिए इतना बड़ा घर लेने का मतलब ही नहीं था, तो मैं 1 BHK ही देख रहा था। बट थोड़ा 1 BHK जैसे बड़ा हो ऐसा ही मैं देख रहा था, मतलब एटलीस्ट वार्डरोब वगैरह थोड़ा बड़ा हो। बड़ा हो, ये ड्राइंग रूम हॉल काफी अच्छा है। वो पहले भी हमारा हॉल पे बेड था ना, तब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था या नहीं? नहीं स्टार्ट नहीं किया। हाँ, हॉल पे एक्चुअली में हमारा हैदराबाद पे 2 बेड था, तो एक बेड हमारा हॉल पे था, बाद में हम लोग उसको, मतलब सोचो आप, हॉल में हम लोग का किंग साइज बेड आ रहा था। हाँ, किंग साइज, मतलब हॉल कितना बड़ा होगा यहाँ पर, और सोफा भी, सोफा भी, बेड, सोफा सब कुछ रहता था। बट हम लोग को घर थोड़ा बड़ा चाहिए था 1 BHK के हिसाब से, और वार्डरोब वगैरह थोड़ा बड़ा चाहिए था, तो ये जब घर देखा मैं पहले से ही परफेक्ट था। नहीं, इन्होंने हम लोग को, मतलब एसी वगैरह भी था हम लोग के पास, और यहाँ पर मतलब एसी लगाने के लिए सब मतलब परमिशन नहीं देते, तो इन्होंने मतलब हम लोगों के लिए एसी के लिए कनेक्शन वगैरह सब कुछ करके भी दिया, नया चल रहा था तो। हाँ, एक्चुअली एसी का परमिशन भी यहाँ पर बैंगलोर में आप लोग को पता होगा कि एसी का परमिशन बहुत सारा ओनर नहीं देते हैं, ड्यू टू दैट वेदर बहुत लोग नहीं भी लगाते हैं। yes. क्योंकि मेरा जो हैदराबाद से एसी आया था नया खरीदा था, तो मैं बोला हम लोग, हाँ नया वाला एसी था, तो उसको अभी बेचने का मतलब 3-4 महीना हुआ था, तो फालतू में बेचने का मतलब भी नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह में भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ। एंड गाइज, जो मुझे बर्थडे पे जो चुंबक का कूपन मिला था ना, तो मैंने उससे ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन कुछ चुंबक का, मतलब कुछ सेल उनका डिस्काउंट वगैरह चल रहा था, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था, तो अभी वो आ गया है, तो देखते हैं। पिंकू नीचे लाने गए हैं, तो देखते हैं, मतलब आई एम एक्साइटेड यार। और आज मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया है, देखती हूँ अगर थोड़ा लेट करके भूख लगेगा तो खाऊंगी, या फिर जल्दी ही लंच कर लूंगी। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को क्या आया है। और यहाँ पर पिंकू उसको अच्छे से सैनिटाइज कर, अच्छा ऊपर वाला मतलब बॉक्स निकाल के फेंक दो उसको। फेंक तो दूंगा, फिर हाथ लगाऊंगा ना। ओके, और ये जो मुझे बर्थडे पे मिला था ना, ये स्टील वाला स्ट्रो, तो मैं इसी से पी रही हूँ। ऑब्वियसली आप लोग भी मतलब ट्राई तो हम कर ही सकते हैं कि जितना भी प्लास्टिक है उसको अवॉइड करने के लिए, तो मैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करती ही हूँ। और जो मैं पानी तो नॉर्मली वैसे भी मेरा ग्लास का बॉटल ही यूज़ करती हूँ, टोटली अवॉइड करती हूँ कि प्लास्टिक यूज़ करना। हाँ, बट जिस घर में बच्चे हैं तो थोड़ा डिफिकल्टीज है, बट तो आप अगर मतलब मतलब ग्लास का भी यूज नहीं कर सकते हो, तो आप बेटर है कि स्टील का ही बॉटल्स वगैरह यूज कर लो, कॉपर का कर लो, बट हाँ ट्राई करो आप लोग भी थोड़ा प्लास्टिक कम ही यूज करने के लिए। आ जाओ आप यहाँ पर, उसको निकाल लो सामान, या वो अंदर वो कार्टून को फेंक दो, इसको फेंक दो तो। होप कि मतलब ठीक ठाक हो यार अंदर, मतलब ये लोगों ने पैकेजिंग, ये आप देख सकते हो यार कितना मोटा सा एक क्या थर्मोकोल टाइप का कुछ। तो पहला चीज क्या निकलता है, तो पहला ये है एक बॉक्स मैंने लिया था, तो ये मतलब आप ज्वेलरी वगैरह भी मतलब जो भी आपको मन करे रख सकते हो, तो मैंने बॉय ज्वेलरी रखने के लिए लिया है। और बहुत क्यूट, इसमें तो आप नेम भी लिख सकते हो, नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ। हाँ, और ये बॉक्स काफी क्यूट लग रहा है ना, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। और इसका प्राइस है 795, काफी अच्छा है ना। हाँ, देन नेक्स्ट ये क्या है, अच्छा ये मुझे पता है, मैंने जो टी लाइट कैंडल होल्डर ये था, एक सेट ऑफ 3 था, ये ठीक है। और ये भी काफी क्यूट है ना, और बहुत हैवी है, जो मतलब ऑर्डिनरी मिलता है मार्केट में उससे क्वालिटी भी इसका काफी अच्छा है। बट हाँ, ये मुझे लगा था कि गोल्डन है, बट ये कॉपरी से थोड़ा सा इसका कलर ना। इसका भी प्राइस ये तीनों को था ऑलमोस्ट 6 समथिंग था, 600 समथिंग, बट अप्रोक्स मतलब एक को 200 ईच आ रहा था। ये एक मैंने वुडन
ट्रे ऑर्डर किया था यार, क्यूट है ना, दिखाओ ट्रे, दिखाओ। इसका जो एमआरपी मतलब इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं था, ये ऐसे ही मतलब 1100 की है और ये भी मुझे वही 1100 में ही मिला। तो साइकिल पे बैठ के अभी हम लोग जाएंगे, कॉफी या चाय पीने जा सकते हैं ना। हाँ लॉकडाउन पे साइकिल पे बैठ के हम कॉफी और चाय पीने जाएंगे। अरे है, इसके पीछे भी बैठने के लिए भी है, मैं बैठ सकती हूँ? हाँ बैठ सकते हो आप, आप यहाँ पर चलाओगे और मैं बैठूंगी पीछे। तो ये मैंने दो ग्लासेस ऑर्डर किया था, होप कि ठीक है। तो ये दो ग्लासेस थे और ये एक ओल वाला है, तो ये दो कप या ग्लास की तरह। जिम्बो का वो लोगो है ना ओल? हाँ ये ओल उनका लोगो है। तो मैंने सोचा कि कुछ भी मैंने उनका लोगो से नहीं लिया है, तो ये एक मैंने ले लिया। आखिर में ये ग्लास एक ये ओल वाला ले लिया और ये दोनों ग्लास मिलाकर मुझे कुछ ये ऑलमोस्ट ये दोनों ग्लास को भी मुझे 600 आ गया। तो इसको ना मैं मतलब ग्लासेस की तरह भी यूज कर सकती हूँ और लाइक टी कप की तरह भी यूज कर सकती हूँ और काफी अच्छा लग रहा है ना ये ट्रे के साथ, क्यूट सा है। हो गया, लो चाय पी लो। खुश हो गया अभी? yes. हो गया yes. तुम्हारा आ गया बर्थडे का फाइनली गिफ्ट आ गया ये। तो बर्थडे का बच्चा हुआ गिफ्ट खत्म हो गया। हो गया ना, और कुछ है क्या? नहीं और कुछ नहीं है, हो गया। कितना कितना बर्थडे का गिफ्ट लोगे? हो गया जितना हो गया हो गया। हाँ, तो आपको बेस्ट कौन सा लगा इनमें से, बेस्ट परचेज? सबसे बेस्ट मेरे को वो कप लग रहा है। और आप लोग भी बोलना मतलब ये जो भी मैंने लिया है जितना भी सामान, सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये मतलब ऑर्गन है जो ज्वेलरी बॉक्स है ये सबसे अच्छा क्यूट सा लग रहा है यार, बहुत क्यूट है। क्या क्या हो रहा है आज? आज नहीं बोले आप कुछ भी, क्या क्या हो रहा है? इतना स्पेशल स्पेशल चीज हो रहा है फिर भी अपने काफी बिजी हूं मैं किचन में। और आज हमारा जो ओडिया और बंगाली लोग भी खाते हैं उनका ऑथेंटिक फूड होता है ये जो पोई साग होता है, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा पोई साग। तो पोई चिंगड़ी होता है जो छोटा छोटा जो प्रॉन होता है उसको डाल के पोई चिंगड़ी बनाते हैं। ऑथेंटिक फूड नहीं, बहुत लोग खाते हैं बट स्पेशली स्पेशली ओडिया लोग ज्यादा खाते हैं, ओडिया और बंगाली लोग भी खाते होंगे शायद। तो वो बन रहा है पोई चिंगड़ी बन रहा है। और यहाँ पर सब क्या हो रहा है? यहाँ पर जो पाम्पलेट फिश होता है वो फ्राई हो रहा है, पाम्पलेट फिश फ्राई। और हाँ। प्रॉन का जो और पोई ये का... पिंको जाएंगे तो ऐसा दो तीन फिश वैरायटी लेके आ जाएंगे। तो इनको बहुत दिनों से पोई चिंगड़ी खाना था और बस मेरा करंट भी चला गया। तो बस बन गया हमारा लंच और बहुत जोरों से मुझे भूख लग रहा है यार, खाते हैं। ये है वो पोई चिंगड़ी जो मैं बोल रही थी, बना रही थी छोटा छोटा जो चिंगड़ी माछ डाल के पोयर चिंगड़ी। और ये जो पाम्पलेट फिश था उसका जो फ्राई है, मतलब बहुत दिन के बाद मैं पाम्पलेट फिश। और ये जो चीज है ना ये सबसे पिंकू का फेवरेट है। ये क्या जो धनिया पत्ता होता है जैसे पुदीना पत्ता की चटनी बनाते हैं थोड़ा खट्टा मीठा समोसा के साथ, ये वैसे धनिया पत्ता की चटनी है। और ये हम लोग राइस के साथ खाते हैं। मैं तो अगर रेसिपी चाहिए तो बोलना मेरे को, ठीक है मैं रेसिपी बना के दूंगा आपको। आप अभी तक वो चटनी का रेसिपी नहीं दी? अरे हाँ यार, कोई एक बोली थी कि मतलब चटनी का रेसिपी चाहिए, वो टोमेटो का जो चटनी है, ठीक है मैं। अरे ये डोसा नहीं बनाती है ना, तो टोमेटो चटनी नहीं आती है। बनाई थी मैं बट चिकन के साथ खाया इन्होंने। और ये पाम्पलेट फिश ना ये मुझे बहुत अच्छे लगते है। बड़े पुई का कैसा लग रहा है? पुई का तो सुबह में हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं किए ज्यादा। और बाप रे बाप क्या बारिश हो रही है आज, 2 घंटे से बारिश मतलब चल रहा है। मुझे तो ये बाथरूम फील आ रहा है इस अरे सच में यार शावर कटन है ना तो अजीब सा लग रहा है। चले ये सब मिलेगा भाई, इतने पैसे में इतने यार। हाँ इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, इतने में इतना ही मिलेगा। यस बिल्कुल, ज्यादा चाहिए तो पैसा खर्च करो जल्दी। चाय लो इनको बस हमेशा चाय की पड़ी है। Love is you, realize. Love is you.
मतलब लगभग 2 घंटा हो गया बारिश हो रही है और मैं थोड़ा सो भी गई थी। दूसरा जो व्लॉग था ना वो डालने के बाद मैंने इनको पकड़ा दिया कि आप थोड़ा अपलोड कर लो और मैं सो गई। और जो नींद आया इस बारिश की वेदर में, और आज जल्दी भी उठे थे ना तो इसलिए बहुत मतलब पैर वगैरह भी मेरा काफी दुख रहा है यार सुबह एक्सरसाइज वगैरह करके। मतलब आज एक मैं बट होप कि ये जो रूटीन है वो कंटिन्यू रहे, मतलब आज एक दिन उठ गए फिर कल से बंद वो ना हो जाए। मम्मी का फोन है, बोल देती हूँ थोड़ा। हेलो, देखो कितना पोटेंशियल है मतलब लड़की में, मतलब मम्मी का फोन आ रहा है फिर भी बोल रही है कि नहीं नहीं पहले और खत्म करते हैं फिर मैं बात करता हूँ। मैं बोला भगवान ये तो हम कैमरा में शूटिंग करने के टाइम में क्या बंद भी कर सकते हो, उसके बाद बात करके भी तुम बात कर सकते हो राइट। नहीं पता है अभी मतलब चाय ठंडा हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली वो चाय तो ठंडा क्या, बाद में और कोई ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा जरूर, मतलब बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है ब्लॉग, मतलब जो एक्चुअल लाइफ और डेली लाइफ, नॉर्मल लाइफ और ब्लॉगिंग लाइफ कैसा होता है, इतना इजी कभी नहीं होता है। मतलब बेसिकली मैं आपको सच बोलूं तो मैं ठंडा चाय ही पीता हूँ, बेसिकली सच बोलूं तो मैं ठंडा चाय पीता हूँ। मतलब वो मैं दिखाऊंगा क्यों पीता हूँ वो भी दिखाऊंगा। मतलब ये जो चाय ये जो प्लेट है ना इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, नहीं इसको सेटिंग ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है, बॉटल को ऐसा रखना है, तुम ऐसे बैठो, तुम्हारा मुंडी नहीं आ रहा है, तुम ऐसे मोटे दिख रहे हो, मतलब ये सब सीन। अच्छा ये देखो अभी नीचे भी रखने के लिए, हाँ अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं उनको जरूर फोर्स करूंगा कि बिहाइंड द कैमरा क्या क्या होता है, मतलब वो बनाना है एक्चुअली, मतलब क्या बोलते हैं उसको रियल लाइफ, हाँ रियल लाइफ एंड ब्लॉगिंग लाइफ क्या होता है ठीक है। और आप लोग भी चाय पी लो थोड़ा थोड़ा यार, चाय पी लो, चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म कुछ भी नहीं है। नहीं अभी गर्मा गर्म है यार, धुआं निकल रहा है, ऐसा मत बोलो, फिर घुट घुट के पी के दिखा मुझे, टुक टुक के घुट घुट के नहीं घुट घुट के तो मो गया जो घुट घुट के जीते है राइट। क्योंकि ये जब इंसान बात करने आते तो ये बिल्कुल महापुरुष की तरह बात करने लग जाते हैं चाय नहीं पीते, और मुझे इनको याद दिलाना पड़ता है कि चाय पी लो, चाय पी लो, मैं पी लेती हूँ आपको बिस्किट के साथ पी लो। नहीं बिस्किट नहीं खाने मुझे, और आज कोई मतलब डिनर बहुत सिंपली बनाऊंगी क्योंकि लंच काफी हेवी था, और ये खा के बिल्कुल फैल के बोले कि मैं थोड़ा सा 15 मिनट रेस्ट करती हूँ वरना काम। आज वन ऑफ द बेस्ट लंच था, मतलब वो लंच के पहले भी हमारा बिहाइंड द सीन कुछ हुआ था इसके लिए लंच अच्छा हुआ तो जब भी होता है जब भी होता है वो अच्छा आता है। टिब्बा पकड़ के बैठे, मतलब वैरायटी तरह की बिस्किट है इसमें, और ये है जो नमकीन वाला, ये है टोस्ट है, मतलब जो भी बचा कुछ रहता है ना खोलने के बाद, और ये थोड़ा बहुत इसका मसाला पड़ा है ये भी थोड़ा खाऊंगा। और एक बात बोलती हूँ इनका, ये मुझे कल इनकी बातों से पता चला कि ये बोल रहे थे ये बचपन से चाय पीते हैं यार। हाँ मैं बचपन में चाय, आप बचपन में चाय नहीं पी रहे थे, और मम्मी भी इनका स्टोरी बोल रहे थे ना, ये अगर घर पे इनको कोई चाय नहीं देता ना तो ये इनके साइड में बाजू वाले जो घर पे होते हैं ना वहाँ पर चले जाते हैं चाय पीने, कप पकड़ के घर से वो लोग जब भी चाय पीते हैं तो चले जाते हैं। एक्चुअली मैं रायरामपुर को था ना, मैं भी रह रही थी। हाँ सॉरी, तो मेरा घर से हम लोग पहले वहीं पर थे, तो बचपन में मैं बहुत चाय का शौकीन था, मतलब चाय बहुत पी रहा था मैं, तो मम्मी जब चाय नहीं दे रहे थे मेरे पास एक कप था ठीक है, तो वो कप को लेके मैं दूसरे वाला आंटी के, आंटी के, हाँ आंटी के घर में वो ग्रिल के पास लगे थे कप, आंटी चाय 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 चाय, तो वो आराम से लगे चाय दे देंगे, मैं चाय पी लूंगा फिर घर जाऊंगा। ऐसा भी कोई कैसा कर सकता है यार, बचपन से चाय से ही चाय चाय करते रहते हैं हमेशा, और मुझे भी इनकी वजह से चाय की मतलब जो क्या बोलते हैं लत लग गई है अभी, मतलब भी चाय हम लोग अभी मैं बहुत कम पी रहा हूँ, तो मैं लगभग चाय में 7-8 पी रहा था दिन में। What? हाँ, seriously? खत्म किया उसके बाद जब ये मतलब एक जो एडिक्शन फिर वो बन जाता है, इतना चाय कौन पीता है। हाँ पीते थे मेरे जो नाना जी थे ना, मम्मी के जो पापा थे,
तो चलिए जो ब्लॉग है यही पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर 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 करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन होता है उसको भी प्रेस कर देना। सो फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। आंटी ने भी कमेंट किया था यार, अंकल भी ऐसे चाय में डाल के पीते हैं। मिक्सचर खाते हैं चाय में डाल के। हाँ। नान अमुमार दोहर अंदर से कोई बाहर ना जा सके वैसा टाइप। सस्ते में तो सब कुछ हो सके, बाहर से कहीं अंदर ना दिख पाए। सस्ते में ये सब मिलेगा भाई।